डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में एक महत्वपूर्ण विषय पर मैं अपने विचार आपके समक्ष रखना चाहता हूँ। यह एक रिक्वेस्ट है कि हमें प्लास्टिक के जो उपयोग है उसको कम करना है और इसके लिए हम सबको प्रयास करना होगा। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि प्लास्टिक का उपयोग नुकसानदायक क्यों है। प्लास्टिक न केवल भूमि को बल्कि जल और वायु को भी प्रदूषित करता है। प्लास्टिक को जलाने से कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड जैसी हानिकारक गैसें उत्पन्न होती हैं, जो कि सांस की बहुत सी बीमारियों का कारण बनती है और इससे त्वचा की बीमारियां भी फैल सकती है। तो जो प्लास्टिक है उसका उपयोग हम कम कर सकते हैं। इसके लिए हम उन पारंपरिक जो बर्तन है, मिट्टी या स्टील के बर्तन, उनको हमें बढ़ावा देना होगा, उनको यूज करना होगा। और प्लास्टिक की थैलों की जगह हमें कपड़े के थैलों का उपयोग करना होगा अपने दिनचर्या में। और जो भी प्लास्टिक है उसको ना जलाया जाए और उसको जो कचरा इकट्ठा करने वाले होते हैं उनके ज़रिए रिसाइकलिंग के लिए दे दिया जाए, ताकि इससे पुनः जो प्लास्टिक की नए उत्पाद है बनाए जा सके। और इससे क्या होगा कि जो प्लास्टिक है उसका कचरा कम होगा और जो नए उत्पाद है प्लास्टिक के, उन्हें बनाने में जो एनर्जी लगती है वह भी कम लगेगी, क्योंकि प्लास्टिक एक ऐसी चीज़ है जिसको पुनः से जो रिसाइकलिंग करके यूज किया जा सकता है। प्लास्टिक मानव जीवन के साथ साथ पर्यावरण के सभी जीवों के लिए खतरा बन गया है, क्योंकि जो प्लास्टिक है वह यदि पानी में उसे डाला जाएगा तो पानी में जो जीव होते हैं उनका जीवन उससे खतरे में आ जाता है। और अगर मिट्टी में प्लास्टिक मिल जाए तो, क्योंकि यह घुलता नहीं है, गलता सड़ता नहीं है, इसलिए हजारों सालों तक ये प्लास्टिक जो है वह गलता सड़ता नहीं है, जिससे कि मिट्टी की उपजाऊ क्षमता पर असर पड़ता है और इससे मिट्टी की उपजाऊ क्षमता कम होती है। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि आप भी प्लास्टिक का कम से कम उपयोग करें और हो सके तो प्लास्टिक के स्थान पर अन्य जो चीज़ें हैं उनको उपयोग में लाएं, ताकि जो पर्यावरण का जो प्रदूषण है वो कम हो सके। तो इसी आशा के साथ कि हम सभी प्लास्टिक के उपयोग को कम करेंगे, उसका उपयोग ना करके अन्य चीज़ों पर फोकस करेंगे, अन्य चीज़ों को उसके स्थान पर उपयोग करेंगे, मैं इस वीडियो को यहीं समाप्त करता हूँ। थैंक यू।